आज की कहानी का शीर्षक है किसने खाए मालपुए। इसके ये लेखक हैं अमित पांडे। यह किताब CBT द्वारा प्रकाशित की गई है, बाल पुस्तक न्यास, जो कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। उन्होंने ये किताब पब्लिश किया है, तो आइए पढ़ें किताब। यह किताब करीबन 8 से 10 साल के बच्चों के लिए है और बहुत ही रोचक कहानी है। कैसे एक लड़की जो कि मालपुए खाना चाहती है और उसके लिए उसको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि जिसके लिए बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो आइए सुने कहानी। इसके चित्रांकन किया है मानसी मेवाड़ी ने, और देखते हैं, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दादी माँ ने मालपुए बनाए हैं। मीना को मालपुए बहुत पसंद हैं। दादी माँ मुझे मालपुए दो ना, मीना बोली। ना बेटी, ये प्रसाद है। दादी माँ बोली, पहले पूजा में भगवान जी खाएंगे, फिर तुम खाना। भगवान जी पूजा में कब खाएंगे दादी माँ, मीना ने पूछा। कल सुबह, दादी माँ बोली। अगले दिन सुबह पंडित जी आए, उन्होंने भगवान जी को नए कपड़े पहनाए, मीना ने उन्हें माला पहनाई। तभी दादी माँ की आवाज़ आई, मीना इधर आना। हाँ दादी माँ, मीना बोली। मालपुए किसने खाए, दादी माँ ने पूछा। प्रसाद का डिब्बा खाली था। मैं क्या जानूँ दादी माँ, मीना बोली। सच बतलाओ, दादी माँ ने फिर से पूछा। अब मीना क्या बोले। दादी माँ मालपुए कौवे ने खाए। वह कौवा यहाँ कहाँ से आया। रात में आया दादी माँ, सच मैंने उसको खुद देखा। पर रात में कौवा सोता है, दादी माँ बोली। अब मीना क्या बोले। दादी माँ मालपुए बिल्ली ने खाए। और बिल्ली यहाँ कहाँ से आई। बिल्ली कहाँ से आई, खिड़की में से दादी माँ, सच मैंने उसको खुद देखा। पर खिड़की में तो जाली है, दादी माँ बोली। अब मीना क्या बोले। दादी माँ मालपुए चूहे ने खाए। और चूहा यहाँ कहाँ से आया। दरवाजे दिस दादी माँ, सच मैंने उसको खुद देखा, पर डिब्बा ऊपर मेज पर था, दादी माँ बोली। अब मीना क्या बोले। दादी माँ मालपुए चींटी ने खाए। और चींटी यहाँ कहाँ से आई। मेज़ पर चढ़कर, दादी माँ सच मैंने खुद देखा, पर मालपुए तो ढेर से थे, दादी माँ बोली। अब मीना क्या बोले।